नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट स्टॉक्स पर। तो दोस्तों, अपन 6300 नए पदों पर भर्ती होने जा रही है, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस में, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में यह मंजूर हो चुका है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, कुछ कांस्टेबल हेड कांस्टेबल पर भर्ती होगी, और भर्ती कब से शुरू होगी वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पीवी पर एक नया अपडेट भी आया है। चलिए दोस्तों, सभी जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर की न्यूज़, पुलिस आरक्षक के 6350 नए पद सिवनी छतरपुर मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य सरकार पुलिस बल की क्षमता में वृद्धि के लिए 6350 नए पद भरने जा रही है। इस संबंध में कैबिनेट ने गृह विभाग द्वारा लाए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सिवनी और छतरपुर में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की स्वीकृति भी दे दी गई है। इससे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 16 हो जाएगी। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जो 6350 नए पद भरने जा रही है, इसका जो फॉर्म है दोस्तों, आपको एक महीने के अंदर इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरना। और दोस्तों, हेड कांस्टेबल कांस्टेबल दोनों, कुछ पद हेड कांस्टेबल करेंगे और कुछ कांस्टेबल के, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। अब इसके अलावा एक नया पीवी का अपडेट है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पीवी का एक सबसे पहला अपडेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है, रिवाइज सीट मैट्रिक्स ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, जो कि AG1 AG2 एंड अदर जो रिक्वायरमेंट टेस्ट हुआ था दोस्तों, उसके लिए कुछ रिवाइज सीट मैट्रिक्स आई है। आप यहाँ पर इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं आप। इसके अलावा दूसरा जो डेल डिपार्टमेंट का, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जेल प्रहरी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो इसके फॉर्म 11 अगस्त से भरना स्टार्ट हो जाएंगे, और जेल प्रहरी में कार्यपालक के लिए पोस्ट रहेगी। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स है। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर दिए, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। टाइम कम होने की वजह से दोस्तों, वीडियो को शॉर्ट बना रहा हूँ, आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन बाद में दूंगा, एमपी पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल SI के बारे में भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।